नमस्कार, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभियान शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे। यहां उन्होंने अमरपुर और कुमारघाट में दो जनसभाओं को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि 9 साल पहले भारत घुटने टेकने वाला देश था, फैसला ना ले पाने वाला भारत था। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आकांक्षाओं का देश बन गया है, छलांग लगाने वाला देश बन गया है। जनसभाओं के बाद नड्डा ने गोमती में एक पार्टी कार्यकर्ता के घर पारंपरिक तौर पर केले के पत्ते पर भोजन किया। टीचर ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा। उन्होंने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजने को लेकर राजनीति हो रही है। पिछले कई दिनों से फाइल LG के ऑफिस में पड़ी हुई है और उसे परमिशन नहीं दी जा रही है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ऐसे में मार्च में होने वाली ट्रेनिंग फिर से कैंसिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि शनिवार को पंजाब के 36 टीचर ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है। मैं LG साहब से अपील करता हूँ कि दिल्ली के टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाने दे। हरदोई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले में 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। घटना में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं। हादसा टकरा बिल्हौर राजमार्ग पर हुआ। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का काफिला कटरा बिल्हौर राजमार्ग पर मलवा से जैसे ही गुजरा, तभी फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग के निकट काफिले में शामिल आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गई। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है। उनका यह जवाब सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद आया है। दरअसल एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूर देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसे स्टैंड लेने पर मजबूत ना करें जिससे परेशानी हो। केस की अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। कांग्रेस ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से सांसद परनीत कौर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। परनीत पर बीजेपी की मदद करने का आरोप है। बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव से पहले ही भाजपा ज्वाइन कर ली थी। अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। अयोध्या में रहने वाले एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर राम जन्मभूमि परिसर को उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। फोन रामकोट क्षेत्र में रहने वाले मनोज नाम के व्यक्ति को किया गया। उसने अपने मोबाइल फोन पर कॉल आने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले ने गुरुवार सुबह 10 बजे मंदिर परिसर को उड़ाने की धमकी दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के कई स्थानों पर तैनात सभी जवानों को अलर्ट कर दिया। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार की टक्कर लगने से एक बाइक कार के नीचे फंस गई। नशे में धुत ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाय बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। घटना बुधवार देर रात सेक्टर 62 की है। कार के नीचे फंसी बाइक से चिंगारियां निकल रही थी। अच्छा ये रहा कि इस हादसे में बाइक सवार को ज्यादा चोटें नहीं आई। वे टक्कर के बाद दूर जा गिरा। पीछे चलने वाले एक शख्स ने इसका वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के एक इंजन में आग लगने के बाद उसे वापस अबू धाबी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट अबू धाबी से कालीकाट आ रही थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुताबिक सभी 184 पैसेंजर सुरक्षित हैं। DGGA ने जानकारी दी है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस का B737-800 विमान जो फ्लाइट नंबर 9348 के तौर पर ऑपरेट किया जा रहा था, उसके इंजन नंबर 1 में आग लग गई थी। इस वजह से उसे वापस भेजा गया।
क्रिकेटर दीपक चाहर की पत्नी जया भारद्वाज को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और उनके बेटे ने दी है। दरअसल एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और उनके बेटे ने बिजनेस के नाम पर जया से 10 लाख रुपए लिए थे। बिजनेस शुरू ना करने पर जया ने रुपए वापस मांगे तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उनके साथ बदसलूकी भी की। दीपक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। टॉलीवुड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर और एक्टर के विश्वनाथ का गुरुवार देर रात निधन हो गया। वह 92 साल के थे। लंबी बीमारी के चलते उन्हें हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से जुबली हिल्स स्थित उनके निवास स्थान पर देर रात करीब 1 बजे लाया गया। विश्वनाथ को साल 2017 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सर्वोच्च अवार्ड है। इसके अलावा उन्हें 6 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, आर्टिस्टेड नंदी अवार्ड और 10 फिल्म फेयर पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अभी के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।